हेलो गाइस वेलकम बैक टू लक्ष्य गाज लेविंग बहुत टाइम के बाद आई एम डूइंग वीडियो लाइक पिछले दो हफ्ते में आई हैव नॉट अपलोडेड और ठंड की वजह से हुआ था ऐसा बहुत ज़्यादा ठंड थी तो आई वॉज़ नॉट वेल तो इसलिए आई वॉज अवॉइडिंग तो और वैसे भी इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जब आई वॉज ट्राइंग टू शूट सम वीडियो तो कैमरा पर भी फोक आ गया था तो फिर अंदर से भी ऐसा था कि आई डोंट वॉन्ट बट अभी आई वॉन्ट समथिंग तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद यू गाइज क्योंकि कैरेटिन uh, uh, वाला वीडियो किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं नॉर्मल शैम्पूज यूज़ कर रही हूँ बट समवेयर आई फेल्ट के थोड़ा सा ना बालों में फिज जैसा आ गया था फिज मतलब थोड़ी सी डलनेस दिखती थी मतलब शाइन नहीं थी तो आई वॉज लाइक के मतलब जब आपने इतना स्पेंड किया है कैरेटिन यू यूज अ लॉट और जस्ट बिकॉज कि आपको मतलब मुझे केमिकल uh, वाले शैम्पूज नहीं करने थे तो आई वॉज़ ट्राइंग टू अवॉइड कि मैं वो यूज़ ना करूँ बट आई वॉज लुकिंग समथिंग जेन्यन मतलब जो सल्फेट फ्री हो बट uh, बालों को मतलब हार्श ना करे तो बहुत सारे माइल्ड शैम्पू के ऑप्शन थे तो लेकिन वो दे दे वर लाइक क्लिनजर दे वर नॉट शैम्पू तो क्लिनजर थे तो उसमें मुझे है कि uh, मतलब ड्राई टेक्सचर है बालों का तो मैं ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू करती हूँ तो जब मैं वो क्लिनजर यूज़ करती थी तो मुझे लगता था कि प्रॉपर जो है वो लैदर क्रिएट नहीं करता और अच्छे से ऑयल नहीं निकलता है तो आई वॉज काइंड ऑफ कन्फ्यूज तो इसी तरह से लाइक बहुत सारी चीज़ें मैंने जो भी रिव्यू वीडियोज़ किए हैं उसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वो मैंने वही प्रोडक्ट्स किए हैं जो लाइक ट्रेंडिंग थे आ, इंस्टा पे फेसबुक पे आ, या फिर आप कुछ भी ऐसा साइट वग़ैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट आता है और वो जब बहुत बार बार पॉपअप होता है और फिर मैंने रिव्यूज़ वगैरह चेक करती हूँ तो फिर मेरे को लगता है कि फाइन वी कैन गिव इट अ ट्राई तो ऐसा ही प्रोडक्ट है कोकोसोल और ये है शा कंडीशनर और ये इसका है शैम्पू तो इसके बारे में मैं बताऊँगी ये सल्फेट फ्री है पैरामिन फ्री है और कोको सोल का जो मतलब है वो कोकोनट बेस है इसका मतलब शैम्पू का भी और क्लिनजर का भी दोनों का बेस कोकोनट है और यू कैन फील इट तो मैंने अभी ये दो बार ही ट्राई किया है क्योंकि आई वॉज लाइक के यूज़ करके ही मैं शेयर करूँ तो फॉर श्योर ऑर्गेनिक तो है ही ये तो आई कैन टेल यू ऑर्गेनिक है और पैराबिन और सल्फेट फ्री है तो मतलब अगर कैरेटिन कराया तो बेस्ट ही है और नहीं भी कराया तो भी यू कैन गिव इट अ ट्राई क्योंकि कोकोनट के लिए बोलते हैं कोकोनट मिल्क और ऑयल जो होता है वो आपके बालों को नेचुरल स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड कराता तो इसमें मैं आ, स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले क्लेंजर के साथ तो इसका जो एम है वो एट है लाइक like सेवन और क्योंकि मुझे ये भी एक्सपेंसिव लगा था तो फर्स्ट ट्राई में तो मैंने इसको भी रिजेक्ट ही कर दिया था क्योंकि अगर मुझे इतना स्पेंड करना है तो मैं कोई और भी ब्रांड से मतलब ले सकती हूँ जो कि आपको नॉर्मली कैरेटिन के टाइम पे सजेस्ट की जाती हैं बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियसली डिस्क्राइब भी की थी और जो मैं ट्राई कर रही थी सल्फ़ेट फ्री वो मैं ड्रेस में ट्राई कर रही थी और उसके अलावा लॉरियल भी मैंने ट्राई किया था बट उसके बाद भी मुझे हल्का सा ड्राइनेस लगता था और आई वॉज लाइक कि जैसे उसमें सल्फेट है क्योंकि मैंशन तो होता है बट जो बालों के अंदर जो टेक्सचर के अंदर जो ग्रेस आनी चाहिए जो शाइन आनी चाहिए वो नहीं आती है तो वो बहुत फिजी से और अजीब से हो जाते थे मतलब ब्राइटनेस नहीं होती थी जो शाइन होनी चाहिए वो नहीं आती थी तो मुझे लगा कि उसमें केमिकल्स तो हैं तभी ये ऐसा इम्पैक्ट आ रहा है तो इसलिए अमेज़ोन से मैंने ये परचेज़ किया हालांकि इसकी अपनी वेबसाइट भी है और अब आ, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन दोनों पे है और आई थिंक नायका पे भी है बट क्योंकि वहाँ पर डील ऑफ द डे का पॉपअप मेरे पास आया था तो मुझे दोनों चीज़ें ही एट में मिली तो इट वॉज अ ग्रेट डील तो इसमें शैम्पू के रिव्यूज कुछ लोगों ने दिए हुए थे कि ये प्रॉपर लैदर क्रिएट नहीं करता है, बट ये चीज मैंने बाद में गो थ्रू की तो मुझे पता चला कि ये इसमें भी वैसे क्लिनजर ही लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेकिन इसमें दूसरा भी एक आता है ट्यूब टाइप में वो एक्चुअली क्लिनजर है और ऐसे ही मैंने मोम्स को का लिया था दैट वॉज ऑल्सो क्लिनजर जब मैंशन है कि क्लिनजिंग पार्ट uh, है उसमें लाइक like, सिर्फ क्लिनजर है तो वो शैम्पू की तरह लादर क्रिएट नहीं कर सकता है बट एक्चुअली जब आप ये पंप वाली बॉटल ले रहे हैं इसका जो क्लिंजर है ये प्रॉपर शैम्पू ही है तो ये बहुत अच्छा लेदर देता है और इसीलिए मैंने इसको दोनों तरीके से ट्राई किया फर्स्ट टाइम मैंने इसे विदाउट ऑयल ट्राई किया लाइक like, वॉश करने से पहले मैंने ऑयल नहीं लगाया था एंड सेकेंड टाइम मैंने ऑयल लगा के किया और जब मैंने ऑयल लगाया था तो मैंने इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट ली थी लाइक like, जो मैं नॉर्मल शैम्पू की लेती हूँ उससे ज़्यादा मैंने ली थी जस्ट बिकॉज मैंने ऐसे रिव्यूज़ पढ़े थे बट ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगा कि मैंने एक्सेस अमाउंट ले लिया था तो यू कैन यूज़ इट एज़ लाइक अ नॉर्मल शैम्पू वो उतना ही लैदर क्रिएट करते हैं और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है मतलब पूरा कोकोनट वाला फ्लेवर आता है सॉरी uh, फ्रेगरेंस आती है और इसमें ना ये ब्रांड और मोम्स को uh, और थर्ड वन एम कैफिन इन तीनों के प्रोडक्ट्स के साथ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जेनुन प्रोडक्ट है जेनुन इन अ सेंस यू कैन फील द फ्रेग्रेंस एक होता है कि सिर्फ आपको असेंशियल ऑयल्स डाल के दे दिया जाता है तो ऐसा नहीं है इसको आप यूज़ करेंगे ना आपको खुद पता चलेगा दिस वर्कस ओसम और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ भी एक्स फैक्टर है इसका एक्स फैक्टर यही है कि ये सल्फेट और पैराबिन फ्री है और कोकोनट इसका बेस है जो हमें पता है कि ऑयल और शैम्पू मतलब अगर हम कोकोनट यूज़ करते हैं तो वो बालों में थोड़ा सा शाइन ऐड करता है और हेयर के लिए अच्छा होता है तो सिर्फ यही है एक्सपेक्टेड कुछ नहीं है सिर्फ सल्फेट फ्री वाला है पैराबिन फ्री है कोई भी और वेगन है प्रोडक्ट्स और कोई भी इसमें लाइक मिनरल ऑयल और सिलिकॉन वगैरह भी नहीं है एंड अगर बात करें कंडीशनर की तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा यू कैन से लिक्विड ही पार्ट पे है मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है बट इट्स ओके क्योंकि जो मैं ट्रेसमे का यूज़ कर रही थी वो भी सेम ही है तो मे भी अगर सल्फेट फ्री कंडीशनर्स होते हैं तो उनका टेक्सचर यही रहता हो और इसका भी एम आर पी वही था सेवन डबल नाइन और ये थोड़ा सा मतलब शायद वो फोर ट्वेंटी uh, का था ये फोर थर्टी का कुछ ऐसे ही था एट फिफ्टी में दोनों चीज़ें थी और ये भी डिस्काउंट पे था गेंद वही है इसका भी कोकोनट बेस है और इसमें बहुत अच्छा सा आपको टेक्सचर मिलता है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मल कंडीशनर्स के लिए मना की जाती है कि आप उसको स्कैल्प में यूज़ ना करें सिर्फ हेयर्स पे करें मतलब टिप्स पे यूज़ करें तो अभी तो मेरे को यू कैन सी वॉश किए हुए तीन चार दिन हो गए हैं तो इट्स डूइंग ऑसम वो ड्राइनेस फिजीनेस नहीं आई और कई बार ऐसा हो रहा था कि ऑयल वापस आ जाता था तो वो चीज़ भी नहीं हुई है मेरे कैराटिन के बाद ये प्रॉब्लम हुई थी हालांकि मेरा ड्राई है स्कैल्प बट कैरटिन के बाद ये चीज़ हुई थी कि दो तीन दिन, दिन बाद मेरे को ऑयली सा फील होता था बट अभी ऐसा कुछ नहीं है यू कैन सी एंड हाँ मैं कंडीशनर के बारे में ये बता रही थी कि इसको आप स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हैं ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी क्योंकि जब भी मैं नॉर्मल भी कंडीशनिंग करती हूँ तो मुझे लगता था कि मेरी स्कैल्प ड्राई है या वहाँ बाद में इचीनेस होती है या क्लीन नहीं होती या नरिश नहीं हो रही स्कैल्प तो ऐसा लगता है तो ये कंडीशनर यू कैन यूज़ ऑन स्कैल्प इसमें यू कैन सी मैंशन है हेयर एंड स्कैल्प ठीक है तो फॉर श्योर यू कैन गिव इट ट्राई दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं रिजनेबल प्राइस में हैं एंड लिंक भी मैं आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट और नायका तीनों का प्रोवाइड कराने का ट्राई करूँगी अगर ये डील में होगा और अगर मतलब ज़्यादा भी प्राइस में चेंज नहीं आएगा अभी अमेजन पे ऐसा होता है कि अगर वो लोग इसको uh, मेरे को एट हंड्रेड में मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाइन हंड्रेड में मिल जाएगा लाइक like आप अगर कुछ दिन बाद भी ट्राई कर रहे हैं बट इसकी वेबसाइट पे नहीं था ऐसा वेबसाइट पे ये ऑरिजिनल प्राइस पे ही अवेलेबल था और वहाँ पर ट्वेंटी का कूपन था बट वो लगा के भी मुझे अमेजोन से चीपेस्ट पड़ रहा था तो इसलिए मैंने अमेजोन से ले लिया तो होप यू लाइक इट एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी अदर रिव्यू व्यू देन प्लीज़ लेट मी नो बाय टेक केयर